नमस्ते जी, मैं बीटी गोरे और बीटी गोरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये सीज़न आपने देखा होगा, बहुत जगह पे पानी बहुत कम था और जो लोगों को अंबिया बाहर लेना था लेकिन पानी की वजह से वो नहीं ले पाए, अभी वो मृग बाहर लेना चाहते हैं। और जो लोगों का हार्वेस्टिंग जनवरी फरवरी में हुआ था और वापस उनको मई और जून में मुर्ग बाहर लेना था लेकिन उनके पास बिल्कुल पानी नहीं था, इसीलिए उन्होंने स्टोरेज स्टेज में जो बेसल डोज देना चाहिए था वो भी नहीं दिया। पानी ही नहीं था इसीलिए डिफोलेशन भी हुआ है। ऐसे ही एक किसान है जिनका नाम है अमोल बोराटे, ये वरकुटे खुर्द करके गाँव है इंदापुर तहसील में, जो पूना डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो उनका प्रश्न यही है कि मुझे मुर्ग बाहर लेना है, मेरे पास बारिश कम थी लास्ट ईयर तो मेरे पास पानी भी नहीं था तो मैं बेसल डोज नहीं दे पाया। अमोल जी, बेसल डोज अगर स्टोरेज स्टेज में होगा तो वो जो रिजल्ट है वो बेसल डोज अभी दे के नहीं मिल सकता, ये पहला मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि एक सेंटेंस मैं हमेशा बोलता हूँ, अनार के पौधे के ऊपर जब अनार के फूल या फल नहीं होते तब पत्तों में जो भी खाना बनेगा वो उस पौधे का ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम आएगा। और जब अनार के पौधे पे फूल या फल होते हैं तब जो भी पत्तों में खाना बनेगा वो फूल के लिए देगा, फलों के लिए देगा, पौधे के लिए नहीं देता। अगर आपको डिजीज फ्री पौधा चाहिए, अच्छा डिजीज रेजिस्टेंस उसका अच्छा ऐसा चाहिए, फीमेल फ्लावर आपको बढ़िया चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेस वाला पौधा नहीं चाहिए, तो आपको बेसल डोज देना चाहिए स्टोरेज स्टेज में। लेकिन ठीक है, अभी आपके यहाँ पे पानी ही नहीं था, थोड़ा सा पानी था उसमें आपने पौधों को जिंदा रखा ये समर में, अभी बारिश आपके यहाँ पे हुई है, जो भी पत्ते आपके गिरे हैं वहां से आपको नया स्प्राउटिंग आएगा और वहां से आप बाहर स्टार्ट करोगे, आपको फीमेल फ्लावर भी आएगा क्योंकि स्ट्रेस इस बार अच्छा था और सनलाइट भी बहुत अच्छा मिला हुआ है, अभी आप बेसल डोज दे सकते हो। लेकिन वो बेसल डोज अच्छा डिकम्पोज्ड होना चाहिए, जैसे कि गायत्री संजीवनी कंपोस्ट मैं बोलता हूँ वो आपको डालना चाहिए और उसके साथ में केमिकल आप डालिए, DAP डालिए, पॉलीसल्फेट डालिए, वो आप दे दीजिए। और उसमें आपको ऑर्गेनिक मटेरियल डालना पड़ेगा, जो अलग अलग केक आती है, जैसे कि आपने नेचर केयर कंपनी का ग्रीन हार्वेस्ट स्पेशल सुना होगा, 1 किलो वो डालिए। अगर वो नहीं मिलता है तो अर्गो स्ट्रांग अपने विजय एग्रो कंपनी का आता है वो 1 किलो डाल दीजिए, अगर वो नहीं मिलता है तो टीस्टेंस कंपनी का आनंद धाम आता है वो आप 1 किलो डालिए और उसको अच्छी तरह से मिक्स करिए। और वर्मी कंपोस्ट अगर आपके पास है, केचुआ खाद, तो वो भी डालिए, ज़्यादा केमिकल मत डालिए, केमिकल अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो हीट जनरेट करेगा, यही पे हमें रूट डेवलपमेंट प्रॉपर करना है। और ये जो मैंने 3 प्रोडक्ट बोला और वर्मी कंपोस्ट बोला, ये अगर आप डालोगे तो वो जो मिट्टी का रूट बाउल जिसे मैं बोलता हूँ, ड्रिपर के नीचे की मिट्टी, ये ठंड रहेगी और बिल्कुल बढ़िया रूट डेवलपमेंट वहीं पे होगी और आपको फीमेल फ्लावर बढ़िया निकल के आपका हार्वेस्ट भी आप आगे अच्छा ले सकते हैं। लेकिन पानी अगर आपके पास कम है तो थोड़ा सा कंपाउंड बना लीजिए, क्योंकि पौधे को कुछ लेना देना नहीं है आपके पास पानी है या नहीं है, उसको उस स्टेज में मिलना खाद जरूरी होता है, तो वो खाद देने के लिए पानी चाहिए होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है थोड़ा सा फार्म पॉन्ड करिए। हाँ, तो आपको जो भी आंसर देना था वो मैंने आपको दिया है, कमेंट में मुझे ज़रूर लिखना कि आप संतुष्ट हो या नहीं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट में बाकी लोग भी लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, शेयर करिए बाकी लोगों को भी और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही डेली वीडियो लेके आऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि वो वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।